गरीबों को ठगने का अधिकार राज कुंद्रा जी को किसने दिया? 2,500 से 3,000 करोड़ का गफला यहां पर राज कुंद्रा की कंपनी वियान इंडस्ट्रीज ने किया है। पुलिस राज कुंद्रा के विरोध में क्यों नहीं कार्रवाई कर रही थी? किसने उन्हें रोका था? व्यापार करने का अधिकार है, पर हमारे संविधान ने किसी को ठगने का अधिकार नहीं दिया। मेरे साथ यहां जो बैठे हैं, ये महाराष्ट्र की भूमि के गरीब किसानों के गरीब घरों से ये सारे लोग आते हैं। किसी से 30 लाख रुपया लिया गया, किसी से 15 लाख रुपया लिया गया, किसी से 20 लाख रुपया लिया गया, किसी किसी व्यक्ति से इससे भी अधिक की राशि। इस गेम की आपको हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रहे हैं, इस प्रकार की बातें उनको कहकर उनको बहलाया गया, उनको झूठ बोल करके उनसे पैसे इकट्ठे किए गए। सवाल ये उठता है कि एक और कंपनी लिख करके देती है कि पूरी तरह से ये गेम लीगल है, दूसरी ओर कंपनी कहती है कि ये गेम के तहत कौन बनेगा करोड़पति में जिस प्रकार से इनाम की राशि मिलती है वैसे इनाम की राशि इसमें मिलेगी, और तीसरी ओर जिनकी कला के बारे में शिल्पा शेट्टी जी का हम उनकी प्रतिभा का जरूर सम्मान करेंगे, उनके चेहरे का उपयोग इस गेम के प्रचार प्रसार के लिए किया जाता है। अब गरीब घरों में रहने वाले लोग अपनी जो पूंजी है अभी कोरोना काल से सारे पीड़ित हैं, ऐसे अवस्था में न केवल महाराष्ट्र से जो बातें सामने आ रही हैं, समूचे देश भर से लाखों नहीं करोड़ों नहीं बहुत बड़ी मात्रा में पैसे इकट्ठे किए गए। अगर इस धन की राशि को जोड़ने का प्रयास किया जाए, वह जांच एजेंसियों का काम है, वह मैं नहीं जोड़ पाऊंगा, पर लगभग 2,500 से 3,000 करोड़ का गफला यहां पर राज कुंद्रा की कंपनी वियान इंडस्ट्रीज ने किया है। अब लोगों को पता चला कि यह धोखाधड़ी का मामला है, वे राज कुंद्रा जी के दफ्तर में गए। दफ्तर में जाने के बाद जो जो उनसे पैसे मांगने के लिए गया, उस हर व्यक्ति के साथ मारपीट की गई, हर व्यक्ति को कह दिया गया कि राज कुंद्रा इस देश का बड़ा आदमी है, वह किसका पति है तुम जानते हो, यहां से रफा दफा हो जाओ। उसके पश्चात वहां के लोकल पुलिस स्टेशन का उपयोग करके जिसका हक का पैसा बनता था, जो मांग रहा था, उन्हीं लोगों पर लोकल पुलिस स्टेशन में जो पैसे मांग रहा है उसके खिलाफ शिकायत करके उन्हीं का मुंह बंद करने का दुस्साहस दुष्कर्म इस वियान इंडस्ट्री की ओर से हुआ है। अब बारी आती है कि ये सारे लोगों को उन्होंने ठगा है कब पता चला? इन सारे लोगों ने जब डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली और डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के बाद इन्होंने कुछ दिन तक कुछ लोगों ने चलाया, कुछ लोगों ने चलाया भी नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर लेते उन्हें पता चला कि ये तो पूरा ठगने का काम है, उन्होंने राज कुंद्रा जी के दफ्तर में पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। किसी को भी एक पैसा तक इस व्यक्ति ने लौटाया नहीं। हम सवाल पूछना चाहते हैं कि इस प्रकार से गरीबों को ठगने का अधिकार राज कुंद्रा जी को किसने दिया? और जिस जियोड़ी के गेम की बात वे करते हैं, उस जियोड़ी गेम के तहत जो इनाम लगने की बात थी, वह इनाम किसको लगे? वह इनाम ये जो गोर गरीब घरों से लोग आए थे जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर के अपने कदमों पर खड़े रहने का प्रयास किया था, कुछ व्यापार करेंगे ऐसे सपने देखे थे, यह इनाम लगा केवल और केवल वीआर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो एम्प्लॉय हैं उन एम्प्लॉय को यह इनाम लगा। अब यहां पर ये देखिए, ये है विजय, किसके एम्प्लॉय है ये? राज कुंद्रा जी के एम्प्लॉय है, वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। इसके बगल में है दीपिका विजय तावड़े, उन्हीं से संबंधित है। उसके बगल है निशा, ऋषभ, रुपेश महाड़ी, ये सारे के सारे जो नाम हैं, ये सारे के सारे इनाम घोषित वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एम्प्लॉय के नाम पर, जो उसके दफ्तर में काम करते उनके नाम पर इनाम घोषित। ये पूरी तरह से
सारे लोगों को ये ठगने का काम इस विहान इंडस्ट्रीज ने किया है। यहां पर मैं महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछूंगा कि यह महाराष्ट्र के भूमि पर हुआ है, दिन दहाड़े इस प्रकार के मराठी नौजवान हैं, बाकी सारे इस भूमि पे काम करने वाले गरीबों के बच्चे हैं, उनको राज कुंद्रा ने ठगा। उस समय ये तीनों दलों की महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही थी, ये पहला सवाल। जब पुलिस स्टेशन ये सारे नौजवान गए कि हमको राज कुंद्रा मारपीट कर रहा है, हमारे पैसे लौटा नहीं रहा है, चेक से पैसे दिए, उसके पश्चात भी पुलिस ने, जो महाराष्ट्र सरकार के अधीन काम करती है, पुलिस के प्रति आदर सम्मान है, पर दुर्भाग्य यह है कि पुलिस ने भी इनको न्याय नहीं दिया। किसके दबाव में थी पुलिस? पुलिस राज कुंद्रा के विरोध में क्यों नहीं कार्रवाई कर रही थी? किसने उन्हें रोका था? जिन लोगों ने उन्हें रोका था, वे नाम देश और दुनिया के सामने आना जरूरी है। हम महाराष्ट्र सरकार से मांग करते हैं कि वे लोग जब पुलिस स्टेशन में गए तो उनको रोकने का दुस्साहस किसने किया? तीसरा सवाल यहां पर है कि केवल महाराष्ट्र से इतनी बड़ी धोखाधड़ी, तो गुजरात है, दिल्ली है, अन्य प्रांत है, वहां पर इस प्रकार की कितने करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई होगी, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अब सारे लोग ये जो पीड़ित है इस पूरे मामले में, जिन्होंने अपनी धन की राशि गवाई है, उन लोगों से बात कर सकते हो। इस प्रकार का एग्रीमेंट उन्होंने वियान इंडस्ट्रीज ने लोगों को करके दिया। अब ये एग्रीमेंट में भी जालसाजी देखिए आप, ये एग्रीमेंट ओरिजिनल खुद के पास रखा, ओरिजिनल एग्रीमेंट खुद के पास, और एग्रीमेंट की जेरॉक्स करके उसके ऊपर स्टैम्प मार करके इस तरह से दिया है, अरे 30 लाख रुपए तुम गेम के डिस्ट्रीब्यूटर के दो, डिस्ट्रीब्यूटरशिप के, पर तुम्हें वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी राज कुंद्रा जी की कंपनी तुम्हें ओरिजिनल एग्रीमेंट नहीं देगी, जेरॉक्स पे इस प्रकार से ठप्पे मार के देगी। क्यों जेरॉक्स पे ठप्पे मार रहे थे? क्या छुपाने का प्रयास कर रहे थे? क्या अंदर के अंदर कौन सा गोलमाल था? ये सारे सवाल अपने आप में वियान इंडस्ट्रीज के मंशा पर शक खड़े करते हैं। मेरी मुंबई पुलिस कमिश्नर से और महाराष्ट्र सरकार से मांग है, यह मामला गंभीर है, महाराष्ट्र के हजारों बच्चों को इस प्रकार से गुमराह करके उनका मेहनत का, पसीने का धन राज कुंद्रा और उनकी कंपनी ने लूटा है, इसकी वे तुरंत जांच करें, जांच करके जो भी तथ्य हैं देश और दुनिया के सामने रखें, और जो आरोपी है वह जेल की सलाहों के पीछे जाए, ये हमारी मांग है। मैं सरकार से उम्मीद करूंगा कि सरकार के लोग इस पर हस्तक्षेप करके महाराष्ट्र सरकार के इन सभी लोग को न्याय दें। यदि आने वाले 3 दिनों के अंतराल में न्याय नहीं मिलता तो सोमवार के दिन हम स्वयं मुंबई के पुलिस कमिश्नर के पास जाएंगे, उनके पास जाकर के न्याय की गुहार लगाएंगे। वे तो एक अच्छे व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, काम करने वाले जुझारी व्यक्ति है, पर सरकार के दबाव में आकर यदि इन लोगों को न्याय नहीं मिला तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। पर जिनका पसीने का, मेहनत का पैसा वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने लूटा है, झूठ बोल करके लूटा है, सरकार की अनुमति इस खेल को है ऐसा बोल करके लूटा है, तो वे जेल के कटघरों के पीछे जाए, यह हमारी मांग है। अगर महाराष्ट्र सरकार से अगर न्याय नहीं मिला तो अंततः यह पूरा मामला सीबीआई और ईडी को हम स्वयं लिखेंगे, और सीबीआई और ईडी की जांच करके इस मामले को गंभीरता से लिया जाए, इस प्रकार की मांग करेंगे। मैं यहाँ पर लोगों के नाम बता दूँ, अमित घई है, विशाल तावरे है, विश्वनाथ बोबड़े, गब्बर राजधर, अमित जयसवाल, राघवेंद्र नाइक, प्रवीण शेट्टी, मोरिया एजेंसी, प्रभाकर शेट्टी, संदेश मोरे, मौलिक शाह, गुजरात से भी कुछ लोग हैं, बिंदु परमार, कई सारे नाम हैं। वे सारे लोगों के साथ, ये जो सारे दिख रहे हैं सारे अग्रीमेंट अलग अलग लोगों के। अब यहाँ पर एक भाई तो सोलापुर से भी आए हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं, ये सोलापुर से स्वयं आए हैं, उन लोगों को उन्होंने ठगा है।
ये पहला विषय था। दूसरा विषय मैं बता दूं कि 14 अप्रैल के दिन मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में हिंदी फिल्म जगत की एक बहुत बड़ी अभिनेत्री जो अपने आप में मॉडल करके है, वे जुहू पुलिस स्टेशन में बाकायदा एप्लीकेशन लिख करके खुद की अपनी कंप्लेंट दर्ज करती है। कंप्लेंट केवल दर्ज नहीं करती, जुहू के सीनियर पीआई से लेकर के असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, होम मिनिस्टर और यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री जी से भी न्याय की गुहार लगाने की एप्लीकेशन दर्ज करती है। अब कहानी में सनसनी देखिएगा, हिंदी फिल्म जगत की बहुत बड़ी अभिनेत्री है। मैंने खुद वहां पर पुलिस अधिकारियों से बात की, अधिकारी ने कहा कि राम कदम जी आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। बुनियादी बात है कि उस अभिनेत्री ने कहा कि उस राज कुंद्रा के खिलाफ धारा 376 क्या होती है आप जानते हैं, शारीरिक उत्पीड़न की धारा आई है, बाद में पिनल कोड 384, 415, 420 धोखाधड़ी, 504, 506, 354 ए और बी, इंडियन पिनल कोड 67 ए ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008, सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन एक्ट 1986। ये जो महिला है कोई साधारण महिला नहीं है, हिंदी फिल्म जगत की एक बड़ी अभिनेत्री, मॉडलिंग इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम, जिनके चेहरे की पूरे देश में नहीं विदेशों में भी पहचान, ऐसी अभिनेत्री स्वयं देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर के, उसे विश्वास है प्रधानमंत्री जी न्याय देंगे, सभी को खत लिखती है। हमारा सवाल यह है कि अचानक रातों रात ऐसे क्या हो गया? वहां के पुलिस अधिकारी कह रहे हैं हां उसने हमें अर्जी लगाई, अर्जी में कहा उसके साथ शारीरिक उत्पीड़न हुआ है, उसके साथ धोखाधड़ी राज कुंद्रा ने की है, शारीरिक उत्पीड़न भी राज कुंद्रा ने किया है। वो अभिनेत्री खुद अपने दस्तखत करके जुहू पुलिस स्टेशन में 14 अप्रैल को देती है।